यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, दैट इज आईएएस टॉपर्स मंत्र पर। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह एंड मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स सेशन 10 दिसंबर 2023। वी आर गोइंग टू सी द वेरियस न्यूज पब्लिश्ड अक्रॉस द न्यूज पेपर्स ऑफ द कंट्री। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, लेट मी नो स्टूडेंट्स इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, so that we may proceed ahead in today's session. तो आज से हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं 8:15 AM के टाइमिंग्स पर। अब सेशन एक घंटे पहले यानी कि 8:15 के बीच में शुरू होगा एंड इट विल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। आई सपोज द न्यू टाइमिंग्स वुड बी बेटर ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस यस, नमस्कार, आई एम फिट एंड फाइन एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। तो बताइए स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में सब सही है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। 10 दिसंबर संडे, आज 165 डेज रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए, 165 दिन, 6 महीने से भी कम। और अगर 15 डेज निकाल लीजिएगा लगभग, जो टाइम आपका वेस्ट होगा या बीच में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, तो 5 महीने का टाइम रह गया है। फोकस कर लीजिए और आगे बढ़ चलिए। 2024 के प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू को अंतिम प्रयास बना लीजिए। यस यस, गुड मॉर्निंग अंकित, सिया, सुजीता एंड ऑल अदर्स आउट हियर। इज दिस टाइमिंग ओके फॉर ऑल ऑफ यू? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, चीफ मेंटर एट आईएएस टॉपर्स मंत्र, एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स टुडेज सेशन। मैं बता दूं आपकी इस जर्नी में, 2024 की तैयारी की जर्नी में आईएएस टॉपर्स मंत्र पूरा रोल निभाएगा आपके लिए। और इसके लिए हम लोगों ने लॉन्च किए वेरियस ऑफलाइन कम ऑनलाइन कोर्सेज, बोथ फ्री एंड पेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है सी सेट का। तो सी सेट का कोर्स वीकडेज में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे शाम को 6 से 8 बजे तक हो रहा है। इसको अटेंड कीजिए। अभी न्यूमेरिकल, बेसिक न्यूमरसी एंड क्वांट की क्लासेस चल रहे हैं। रीजनिंग की क्लासेस शुरू होंगे जनवरी से। सो वन ऑफ आवर फैकल्टीज इज टेकिंग द क्लासेस आउट हियर। ऑल्सो मैपिंग सेशन, टारगेट 20 मैपिंग में चल रहा है। फ्री क्लास है स्टूडेंट्स, ऑफलाइन कम ऑनलाइन, 2 बजे से 5 बजे तक मंगलवार को। और स्टेट वाइज मैपिंग देखेंगे इंडिया की, और कंट्री वाइज मैपिंग देखेंगे हम लोग वर्ल्ड की इस सेशंस में। ऑलरेडी 5-6 सेशन हो गए हैं एंड आई होप दैट यू आर फाइंडिंग द सेशंस वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। इसके अलावा पेड कोर्सेज में सक्षम मेंटरशिप क्लासेस आप देख सकते हैं, 2024 के लिए इंजीनियर किया गया है एंड सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं। लास्ट 2 ईयर्स करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, PIB, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स, एनवायरनमेंट के सारे टॉपिक्स और स्टैटिक एरियाज का पूरा रिवीजन किया जाएगा सक्षम मेंटरशिप क्लासेस में। सैटरडे संडे एंड वेडनेसडे कंबाइन करके लगभग 10 घंटे एक हफ्ते में होते हैं। इसमें साथ में संकल्प टेस्ट सीरीज, 20 GS टेस्ट पेपर्स एंड 12 CSAT टेस्ट पेपर्स आर फ्री इन दिस सक्षम। 7 महीने का कोर्स 1 नवंबर से चालू किया गया, आप अभी भी जुड़ सकते हैं। एंड लगभग 20,000 rupees इज द कंप्लीट पेमेंट ऑफ दिस सक्षम मेंटरशिप क्लासेस। कल हम लोगों ने रेफ्यूजी कैंप्स पूरे वर्ल्ड के देखे एंड ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बता दूं आपको दैट रेफ्यूजी कैंप्स बिदी बिदी और दादाब के ऊपर आया हुआ था क्वेश्चन 2022 में, क्यों आया था, कल मैंने देखा था सक्षम क्लासेस में और डिटेल्स नोट डाउन किए गए। तो जिनको भी ये क्लासेस लेनी है या अलग से संकल्प टेस्ट सीरीज लेना है, संकल्प टेस्ट सीरीज सेपरेटली इज अवेलेबल फॉर ओनली 7,500 rupees, दे कैन जस्ट गो ऑन आईएएस टॉपर्स मंत्रा मोबाइल एप्लीकेशन एंड सब्सक्राइब फॉर द सेम। 15 दिसंबर से टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप इन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, 9988737358 के ऊपर। क्या बढ़ चला जाएगा क्या आगे स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं आईएएस टॉपर्स मंथ की तरफ से कौन कौन से न्यूज डिस्कशन में आज लिए जाएंगे। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से लाइव मिंट संडेज इट डजंट कम अप मिंट पेपर। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स कॉर्नर डेली फैक्ट शॉट्स। और मैं फिर से रिइटरेट कर रहा हूं, टाइमिंग यही रहेगा, अब 8:15 बजे क्लास शुरू हो जाया करेगा रोज, एंड आई होप दीज टाइमिंग्स आर गुड फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहला न्यूज, फैक्ट 1, उमंगोत रिवर
उमन गोत रिवर देख सकते हैं आप, पूरा पानी साफ है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ देम, एंड इंडिया का क्लीनेस्ट रिवर है उमन गोत इज इन मेघालय। मेघालय में देखिए उमन गोत रिवर ऑल्सो नोन एज डॉकी रिवर, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ऑल्सो नोन एज वाह उमन गोत रिवर इज अ रिवर विच फ्लोज थ्रू द डॉकी, अ लिटिल टाउन लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द जयंतिया हिल्स। जयंतिया हिल्स कहाँ है? मेघालय में। एक बार मैप देख लीजिए, ये है मेघालय का मैप, मेघालय असम के जस्ट नीचे लोकेटेड। अगर वेस्ट टू ईस्ट चले तो यहाँ पर गारो हिल्स, यहाँ पर खासी हिल्स, यहाँ पर जयंतिया हिल्स। न्यूज में क्यों था? जयंतिया हिल्स में रैट होल माइनिंग होती है स्टूडेंट्स, और रैट होल माइनिंग बैंड है इंडिया में। लेकिन यही रैट होल माइनिंग जो लोग करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, अ बिग क्रेडिबल रोल, अ बिग हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन रैट होल माइनिंग एंड दोज हु टुक आउट द वर्कर्स ट्रैप्ड इन द टनल इन उत्तरकाशी। सो कमिंग बैक, उमन गोत रिवर मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, एंड डॉकी इज द टाउन, जयंतिया हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट। वापस देखिए वेस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, ये देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, दिस वन वेस्ट, दिस इज ईस्ट, यहीं पर उमन गोत रिवर फ्लो करती है, डॉकी शहर का नाम है। क्या ये क्लियर हो गया? मुझे बताइए चैट बॉक्स में। पहला न्यूज, मेघालय में इस तरफ वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, मेघालय इज ड्रेन्ड बाय द रिवर सिस्टम बोथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा। मैं बता दूं ब्रह्मपुत्रा में भी ड्रेन करती है यहां की रिवर्स, एंड ऑल्सो बरक, ये देखिए यहां पर बरक मेघना रिवर सिस्टम, ये देखिए यहां से। तो पहला उमन गोत नोट कर लीजिए, सेकेंड प्रिलिम्स फैक्ट 02 रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आज फोटो छपा है द हिंदू में, एंड यू कैन सी इट हियर, फोटो पब्लिश हुआ है रैट होल माइनिंग का दिस द हिंदू में, यू कैन सी इट हियर। सो यहां पर कोयला निकाला जाता है, कोल इज ऑफ टर्शरी एज, ये देखिए यहां का कोयला टर्शरी एज का है स्टूडेंट्स, टर्शरी कोल है, ये देखिए। It is quite distinct from the Gondwana coal found in the peninsular India. And rat hole mining कहाँ पर चलता है? West Jayantia Hills District, ये देखिए West Jayantia Hills District, note कर लीजिए फिर से, देखिए वहीं पर जहाँ उमन गोत रिवर फ्लो कर रही है। क्या आप रिलेशन समझ रहे हैं? मुझे बताइए। So उमन गोत रिवर, रिवर इज गेटिंग पॉल्यूटेड, उमन गोत हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत साफ नदी है, और साथ में रैट होल माइनिंग। यहां पर रैट होल माइनिंग 2015 में बैन लगाया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, NGT, नोट कर लीजिएगा, बट स्टिल गोइंग ऑन, इट्स स्टिल गोइंग ऑन बिकॉज इट्स अ ट्राइबल बेल्ट, एंड ट्राइबल बेल्ट या शेड्यूल्ड एरियाज, ये देखिए शेड्यूल्ड एरियाज में जो एक्ट्स हैं भारत सरकार के, कोल माइंस का एक्ट भी इस पे अप्लाई नहीं करता, इट डजंट अप्लाई, एंड दिस इज व्हाई द कॉन्ट्रैक्टर्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस। इज इट क्लियर? तो आज मेघालय पर पूरा फोकस फैक्ट्स में। तीसरा न्यूज मेघालय को लेकर, 9% ऑफ कंट्रीज टोटल लाइमस्टोन रिजर्व्स कम फ्रॉम मेघालय, लाइमस्टोन रिजर्व्स इंडिया के 9% मेघालय में है, नोट कर लीजिएगा। और क्या इसीलिए? देखिए मेघालय स्टेट मेघों का, मेघ का आलय, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स इसका मीनिंग होता है, ये देखिए अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, इट्स वेरी फेमस फॉर ऑल्सो द कार्स्ट टोपोग्राफी, कार्स्ट या लाइमस्टोन टोपोग्राफी। डू यू नो अबाउट दिस स्टूडेंट्स? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। टोपोग्राफी, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेगमाइट सुना होगा आपने। तो मेघालय का ये न्यूज प्रिलिम्स स्पेसिफिक आज, लाइमस्टोन रिजर्व्स 9% ऑफ द इंडियाज आर इन मेघालय, सेकंड टर्शरी कोल इन मेघालय, रैट होल माइनिंग बैंड सिंस 2015 बाय NGT, एंड फोर्थ उमन गोत रिवर वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया। ये था प्रिलिम्स का फैक्ट्स कॉर्नर, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आज क्या क्या न्यूज है देखा जाए। Yes, one more prelims facts 04. आज द हिंदू में आया, ट्रीज इन वेटर फॉरेस्ट मोर सेंसिटिव टू ड्रॉट। तो ट्रीज क्या डेथ हो जाती है ट्रीज की, सूखा पड़ता है तो? यस,
लेकिन ज्यादा चांसेस है डेथ होने की. द चांसेस ऑफ डेथ ऑफ द ट्रीज इज मोर इफ द ट्रीज आर फाउंड इन वेट फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, द बेल्ट वेयर द रेन्स आर मैक्सिमम. नाउ हैव अ लुक, हाउ इज दिस नोन? दिस इज नोन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ट्री रिंग्स स्टडीज. डेंड्रोक्रोनोलॉजी नोट कर लीजिएगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट. डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ट्री रिंग्स की स्टडी, नोटेड डाउन. तो यही सारी चीजें हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स कॉर्नर में. आज न्यूज डिटेल में क्या क्या देखने वाले हम लोग, वी आर गोइंग टू सी साइंस एंड टेक. थ्री न्यूज हैज कम अप. वन इज इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी. एक ग्रीन टर्टल है मेडिटेरेनियन सी का, उसके हैबिटेट पे असर देखेंगे हम लोग. द हिंदू में बीच के पन्ने पर आया है. सेकेंड, वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट्स द कंसेप्ट ऑफ द मैनी पीपल आर मीन्स मैनी पीपल टेक दे पार्टिसिपेट इन स्टडीज ऑफ इन्फेक्शन ड्रग्स एंड वैक्सीनेशंस, उनका उनका क्या कंसेप्ट. एंड थर्ड, हम लोग साइंस टेक में इसके अलावा और भी एक दो चीज़ें देखेंगे. साथ में एक्सप्लेन्ड पेज क्वेश्चन आंसर में आज बहुत सारे टॉपिक्स आए. एक आया है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल. तो चलिए बिगिन करते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स कॉर्नर के बाद. ये देखिए, लेट्स सी, आर यू ओके स्टूडेंट्स? चलिए सबसे पहला न्यूज जीएस पेपर 3 इकोलॉजी एनवायरमेंट. इसमें इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, तुरंत जूलॉजी ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल, बोटैनी ऑप्शनल. फटाफट स्टूडेंट्स, ग्रीन सी टर्टल्स एंड हैबिटेट, ये देखिए. ग्रीन एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल, ग्रीन टर्टल्स नेस्टिंग रेंज एक्सपेंड्स अंडर वार्मिंग क्लाइमेट. तो ऑप्शनल कॉर्नर, ऑप्शनल में भी ये केस स्टडी आएगा स्टूडेंट्स. ये देखिए, ग्रीन टर्टल्स कहां पाए जाते हैं, ये जिनकी स्टडी की गई है. द ग्रीन टर्टल्स कैलोनिया माइडास, ये देखिए, कैलोनिया माइडास इज फाउंड इन मेडिटेरेनियन बेल्ट. ये देखिए, नोटेड डाउन, कैलोनिया माइडास, ग्रीन टर्टल्स फाउंड इन मेडिटेरेनियन सी. वेयर इज द मेडिटेरेनियन सी स्टूडेंट्स? ये देखिए, रिसर्च वॉज डन कि अगर टेम्परेचर्स वार्म अप कर रहे हैं तो क्या इन पे क्या असर पड़ रहा है. इनका लोकलाइजेशन पहले वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में था, दे ग्रेजुअली एक्सपेंडेड टुवर्ड्स ग्रीस, तुर्की एंड अदर बेल्ट्स, सिग्निफाइंग एंड अफ्रीकन बेल्ट्स, सिग्निफाइंग दैट क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज द हैबिटेट रेंज ऑफ ग्रीन टर्टल्स. इंक्रीज द हैबिटेट रेंज, नोट कर लीजिए. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, किसी किसी का हैबिटेट डिक्रीज करेगा, किसी किसी का हैबिटेट इंक्रीज करेगा, और इसका इंक्रीज कर रहा है मेडिटेरेनियन सी. ये देखिए, लोकेशन अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप के बीच में, यू कैन सी इट हियर, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट्स ऑलमोस्ट एन क्लोज सी, अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन. देयर इज ओनली अ नैरो एक्सेस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर टू एंटर मेडिटेरेनियन सी. इज इट क्लियर? टेल मी. तो आप देख सकते हैं यहीं पर ग्रीन टर्टल्स पाए जाते हैं, यहां से बस इतना ही उठाना है, दैट इज सफिशियंट. यू आर सीइंग इट आउट हियर. व्हाट इज सफिशियंट? दैट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स कुड लीड टू एन इंक्रीज इन द नेस्टिंग रेंज ऑफ ग्रीन टर्टल्स इन मेडिटेरेनियन सी. फिलहाल आपके लिए एक टास्क, अभी चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए, मास नेस्टिंग ऑलिव रेडलेस सी टर्टल्स का इंडिया में कौन से कोस्ट पर होता है, किस बेल्ट में होता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं मास नेस्टिंग. लेट मी नो स्टूडेंट्स, ऑलिव रिडले सी टर्टल्स, ये देखिए. तो ये पहला डिटेल्ड न्यूज, यहां से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं उठाना है, बस राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स कुड इंक्रीज द रेंज ऑफ ग्रीन टर्टल्स इन मेडिटेरेनियन सी, दैट्स इट. 10 वर्ड्स निकाल लीजिए. सवाल अगर आ गया, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बायोडाइवर्सिटी, कोट कर दीजिएगा. तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट के इस न्यूज से आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एंड देखते हैं साइंस टेक, सॉरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में सेकंड न्यूज आज का डिटेल, मिशोंग साइक्लोन. ये देखिए, मिशोंग साइक्लोन बहुत बड़ा सुपर साइक्लोन था जो अभी इफेक्ट किया इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को. और ये देखिए, कुछ अगर इंडिया के मैप बनाया जाए स्टूडेंट्स, ये देखिए तो कुछ ऐसे मैप बनता है. Got it.
सवाल यह है कि यहां पर बपतला करके जगह है, कहानी अब तक नोट कीजिए, बपतला इज द प्लेस इन आंध्रा वेयर द लैंडफॉल ऑफ दिस साइक्लोन अकर्ड। ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बना था, पहले चेन्नई को अप्रोच कर रहा था, ग्रेजुअली थोड़ा आगे बढ़ा और बपतला में जाकर स्ट्राइक किया। बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि राइट फ्रॉम तिरुनेलवेली, ये देखिए तिरुनेलवेली इज इन साउथ तमिलनाडु, वेली चेन्नई इज इन नॉर्थ तमिलनाडु, कांचीपुरम इज इन नॉर्थ तमिलनाडु, ये हर जगह वाटर लॉगिंग बिकेम वेरी कॉमन। नाउ फ्रॉम वेयर डिड दिस वाटर कम, पानी क्यों इतना यहां बरसा है, ये इसको लेकर, ये मिगजॉम साइक्लोन को लेकर स्टडी आज द हिंदू में आया एक्सप्लेन पेज में। लेट सी बपतला, इज इट क्लियर, टेल मी स्टूडेंट्स। आई एम अगेन रीटरेटिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द करंट अफेयर सेशन फ्रॉम 8:15 AM फ्रॉम टूडे, 8:15 टाइमिंग सेट रहेगा। आइए आगे देखते हैं। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म कैसे बनता है, ऑल ऑफ यू नो दिस स्टूडेंट्स, ये देखिए दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर, सिस्टम ऑफ विंड्स रोटेटिंग इनवर्ड्स एंड यू कैन सी इट हियर। जब लो प्रेशर सेंटर में बनता है, इट बिकम्स लो प्रेशर बिकॉज ऑफ हीटिंग अप। इसका मतलब साफ है, वहां पर गर्मी चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर रेज चाहिए, एंड द एयर शुड एवापोरेट एंड गो अप अलॉन्ग विद द मॉइस्चर। इसका मतलब साफ है दैट दिस टेक्स प्लेस ओनली ओवर द ओशन। ही देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कंडीशंस फेवरेबल, वार्म ओशनिक वाटर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस, कोरियोलिस फोर्स, लो लेवल डिस्टर्बेंसेस, दैट इज लो प्रेशर एरिया इन द ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन एंड अपर एयर डिस्टर्बेंस लीडिंग टूवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टॉर्म्स। ये स्टॉर्म्स का फॉर्मेशन देख सकते हैं आप यहां पर स्टूडेंट्स, इस जगह पर यू कैन सी इट हियर, दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोन। ये देखिए साइक्लोन्स, 2 मिनट्स, यहां देखिए, ये देखिए यहां पर, ये देखिए साइक्लोन का फॉर्मेशन। तो नीचे से हवा आती है, कूल हो, दिस इट वार्म्स अप, इट गोज अप, ब्रिंग्स रेन्स एंड देन डाइवर्जेंस। यहां कन्वर्जेंस होता है, यहां डाइवर्जेंस होता है हवा का। क्लियर, दिस वॉज द ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसेप्ट, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल यह है कि बारिश ज्यादा क्यों हुई, बारिश ज्यादा इसलिए हुई स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स विच इज बींग पुट अप आउट हियर। लेट सी, सो डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ साइक्लोन राइज, इस न्यूज के हिसाब से डिजास्टर्स बिकॉज ऑफ साइक्लोन्स राइज, यानी फैक्टर्स क्या क्या है, पहला ये देखिए एक्सेसिव मॉइस्चर इन द रीजन, यस। सेकेंड पॉइंट विंड्स मूवमेंट इन द रीजन, ये देखिए ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, यहां पर ये देखिए द इंटेंसिफिकेशन हैपेंड बिकॉज ऑल्सो ऑफ मैडन जूलियन ऑसिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, नोटेड डाउन, ज्योग्राफी ऑप्शनल। ये देखिए मैडन जूलियन ऑसिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, 1970 में ये पहली बार डिस्कवर किया गया था और आज द हिंदू में इसका नाम आया है, PIB में नाम लास्ट ईयर आया था। मेडन जूलियन ऑसिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरियाज, लो रेनफॉल एंड हाई रेनफॉल एरियाज ओवर द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। मूवमेंट, यस, 4 से 8 मीटर पर सेकेंड का मूवमेंट ईस्टवर्ड होता है, और इसका मतलब है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी ईस्टवर्ड मूव करते हैं। यही वजह थी चेन्नई में नहीं हुआ इसका लैंडफॉल, द लैंडफॉल अकर्ड टुवर्ड्स द ईस्ट गोइंग टुवर्ड्स आंध्रा बपतला। ये देखिए अगर आप साउथ इंडिया का मैप देखिएगा तो कुछ ऐसा मैप आएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए मैं फिर से बना रहा हूं मैप, यहां पर दिस इज लाइक दिस, ये देखिए। तो यहां पर लैंडफॉल नहीं हुआ, चेन्नई अप्रोच कर रहा था लेकिन ग्रेजुअली ऊपर चला गया क्योंकि मैडन जूलियन ऑसिलेशन उसे ईस्टवर्ड मूव करा रहा था। मैडन जूलियन ऑसिलेशन 1970s में डिस्कवर किया गया था, इट्स द ईस्टवर्ड माइग्रेशन ऑफ द रेनफॉल सेल्स एट 4 to 8 meters per second, ये देखिए स्पीड फॉर 30 to 60 days। क्यों होता है नहीं पता है आज तक, लेकिन क्या इससे रेनफॉल इफेक्ट होता है, यस,
Madden Julian oscillation, note it down students, very important. So it occurs in the flow of winds, but yes, still the detailed this mechanism is not understood. Madden Julian oscillation means movement, largest element of intra-seasonal variability in the tropical atmosphere, discovered in 1971 by Roland Madden and Paul Julian of American National Center for Atmospheric Research. It's all about the rain doesn't stand at a place, it moves. यही इसका क्रक्स है और इसी वजह से साइक्लोन जहां आना चाहिए वहां नहीं आकर और ईस्टवर्ड्स आ रहा है. दैट्स इट. ये देखिए द सेम टॉपिक कम्स आउट फ्रॉम पीआईबी. ये देखिए इन बे ऑफ बंगाल इट अफेक्ट्स मैसिवली द लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन्स. जहां एक्सपेक्टेड होता है उससे पूरब में आकर लैंडफॉल होता है. नोट कर लीजिएगा. इज इट क्लियर? टेल मी. ज्योग्राफी ऑप्शनल. एमजे ऑसिलेशन सिस्टम्स इट कैन कम अप इन 10 marks from 50 words. yes, good morning, good morning. All the newcomers, मैं बता दूं that timing आज से, आज मैंने सुबह put up किया है, 8:15 पर session शुरू हो जाएगा. I'm reiterating it. So this is it students, tropical cyclone, is it clear? Madden-Julian oscillation, one of the phenomena affecting the tropical cyclones. तो GS paper 3, ecology environment का topic, और ये एग्जाम केवल यूपीएससी एग्जाम में ये सवाल नहीं एक्सपेक्टेड है. स्टेट पीसीएस अदर एग्जाम्स आल्सो मैडन जूलियन ऑसिलेशन फेनोमेनन इज कंसर्न विद व्हाट. नोट कर लीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 क्या क्या न्यूज सामने आए स्टूडेंट्स. पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. कंपनसेशन शुड नॉट इंसेंटिवाइज रिस्क टेकिंग. दिस टॉपिक साइंस टेक पेज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इट्स ऑल्सो टॉपिक ऑफ एथिक्स. व्हाट डज दिस शो? ह्यूमन चैलेंज स्टडीज. अगर कोई दवा की टेस्टिंग होती है तो कितनी बार, इवन कोविड में आपने सुना होगा कि इंजेक्शन पहली बार टेस्ट किया गया इंसानों के ऊपर, कोई ना कोई तो एनरोल करता है ना, उसे कुछ कंपनसेशन दिया जाता है. लिखा हुआ है कि कंपनसेशन कितना रहना चाहिए. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पॉलिसी स्टेटमेंट ये कहता है दैट पेमेंट शुड टेक इन टू अकाउंट द लॉस ऑफ वेजेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टाइम एंड एफर्ट्स मेड टू पार्टिसिपेट इन CHIS. CHIS इज कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज. ये देखिए CHIS. आप लोग बताइए स्टूडेंट्स, CHIS कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज में कंपनसेशन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करना चाहिए. ICMR कहता है पहला कि वेजेस लॉस्ट. ये देखिए कि वो अपनी नौकरी छोड़कर आ रहा है टेस्ट करवाने के लिए. सेकेंड पॉइंट वेजेस लॉस्ट के अलावा दिस टाइम इन्वेस्टेड. यस. थर्ड पॉइंट आप बताइए इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स. वापस चलते हैं. ये देखिए सो लॉस ऑफ वेजेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. ओके, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस कुछ और पैसा लगा है ट्रांसपोर्ट का या बाकी चीजों का. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये देखिए एंड टाइम एंड एफर्ट पुटअप. एफर्ट कितना पुटअप किया गया है, क्या इतना काफी है स्टूडेंट्स. सवाल यहां पर क्यों उठ रहा है, व्हाई हैज दिस डिस्कशन कम अप इन द हिंदू टुडे? बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क टू पार्टिसिपेट. व्हाई? दे थिंक दैट इट्स अ वे टू गेट मनी. अब आप बोलिए कि सर ठीक है, तो क्या कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज एक तरीके से बीमारी पहले करा कर और फिर दवा देकर ठीक करने की कोशिश, क्या कंपनसेशन के फैक्टर्स कुछ और भी रहने चाहिए? मुझे बताइए. सम प्रोटागोनिस्ट जो इसके फेवर में वो कहते हैं पैसा इससे कहीं ज्यादा रहना चाहिए. बट सम पीपल से नहीं, इतना ही रहना चाहिए पैसा. यू नो व्हाई? बिकॉज इट विल लीड टुवर्ड्स पीपल कमिंग अप अनड्यू एंड टेकिंग द रिस्क ऑफ लाइफ. ये देखिए ये एथिक्स का सवाल है स्टूडेंट्स, कितना पैसा सही, कितना पैसा सटीक एक इन्फेक्शन स्टडीज के लिए. यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टॉपिक. Should the people be given much more amount of money or shouldn't they be given much more amount of money? Tell me. फिलहाल अगर आप मेरे से पूछिएगा तो मैं तो ये कहूंगा कि पैसा और देना चाहिए, केवल इतना ही नहीं, क्योंकि ये रिस्क ऑफ लाइफ की बात छोड़ दी जाए, वो लोग ऐसे भी आकर पार्टिसिपेट करेंगे. जब उन पार्टिसिपेशन के बाद उनका जीवन भी नहीं ठीक हो रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए वो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं लाइफ, अगर उनका जीवन भी नहीं ठीक हो रहा है तो क्या फायदा इसका.
तो क्या इसका कुछ केस, क्या कुछ इसका केस स्टडी है? यस, ये देखिए शिजेला करके एक बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ये देखिए इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, यू कैन सी इट हियर, एंड इसका केस स्टडी छपा है दैट शिजेला का इन्फेक्शन करवा कर और फिर दवा दी जाती है ठीक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए. शिजेला कैन बी आस्ड इन यूपीएससी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नोटेड डाउन, इट्स नॉट अ वायरल इन्फेक्शन. द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी दैट the question comes out to be that they are putting their life at risk. They should be incentivized much more. Yes. So as per my views, compensation to participants in human challenge studies should not incentivize risk taking. मैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ में हूँ. पता है क्यों? वो रिस्क ऐसे भी लेगा, लेकिन अगर एक बार भी वो आकर पार्टिसिपेट करके अगर वापस जा रहा हो, केवल 10,000 रुपये उसे मिल रहे हैं. कितने मिलते हैं पैसे? 20,000 रुपये, 10,000 रुपये. लाइफ ठीक नहीं हो रही है तो क्या फायदा आने का यहां पर? सो इट शुड बी लाइक ICMR's कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन ह्यूमन चैलेंज स्टडीज इंसिस्ट द पेमेंट शुड बी ओनली ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ वेजेस, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड टाइम एंड एफर्ट्स मेड टू पार्टिसिपेट. आई थिंक ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू टेक डॉक्टर अनुराग सिंह व्यू पॉइंट, आई थिंक दे शुड बी कंपनसेटेड मच मोर. यहां पर क्या इन्वॉल्व है टॉपिक? बायो एथिक्स. ये देखिए बायोएथिक्स. अब यहां पर एल्ट्रुइज्म की भी बात है यहां पर, कि बिना पैसे के लिए आओ. क्या बिना पैसे के लिए कोई इंसेंटिवाइज हो पाएगा आने के लिए? मुझे बताइए, रिस्क लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स. सो आउट हियर, इफ यू टेक माय व्यू पॉइंट ऑफ दिस आर्टिकल शुड डिस्कस दैट द इंसेंटिवाइजेशन शुड गो बियॉन्ड द कंसेप्ट ऑफ वेजेस लॉस्ट. 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये देने चाहिए, कम से कम जितना उसका लगा है उसका दुगुना या तिगुना मिलना चाहिए पैसा, तब जाके वो इंसेंटिवाइज होगा कि हम आकर पार्टिसिपेट करें. सो दिस वॉज द टॉपिक विच वॉज डिस्कस टूडे इन द हिंदू. ICMR बायोएथिक्स यूनिट, आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर में ये यूनिट है, प्रीलिम्स में आ सकता है. ये कहां पर काम करता है? ICMR में. इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट. Is it clear? Science Tech second news comes up students. यहां से आपने शिजेला पढ़ लिया, आइए मिस्टर डी बालासुब्रमण्यम कह रहे हैं सो जाओ, मतलब अभी मत सो जाओ. इस बच्चे को देखकर अगर अभी सो जाओगे दिक्कत है. He is saying any activity is better for your heart than sitting. बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उससे बेहतर है चलना शुरू करो, उससे अच्छा है चलने के अलावा सो जाओ. Sleep is the best form of preventing any problems for the heart. And he shows that sleep is one of the most essential components. Sleep ke upar aise hi pehle research aaya hua student science and tech mein. Rapid eye movement sleep, REM sleep, non-REM sleep, and sleep is needed. 7-hour sleep, the article discusses, is very important. Aur neend ki ek sabse bada advantage jo yahan discuss kiya gaya, that is it reduces the accumulation of beta amyloids in the brain. Do you know about the amyloid beta plaques? Kaun si bimari cause karta hai ye mujhe bata dijiye. Beta amyloid plaques deposition in brain happens causing Alzheimer. Have you heard of this disease? Let me know. Alzheimer disease. To ye nahi hoga agar sleep lijiyega acche tarike se. To ye dekhiye, sleep is essential to reduce the occurrence of Alzheimer. If blood pressure is high, then the person should go for a walk. The person can go for, apart from this, the person can also, देखिए BP high होने से lifestyle में changes करने ज़रूरी होते हैं. Movements थोड़ा करना होता है. अचानक से तेज़ movement नहीं करना है, gradually बढ़ाना है movements. And walking is the best way of countering any rise of blood pressure. Also, ठंडे के मौसम में BP के patients सबसे ज़्यादा casualties होती हैं, क्योंकि capillaries या blood vessels constrict करते हैं ठंड के कारण. ऐसे समय में और जब constrict करते हैं तो फटने के भी chances रहते हैं, stroke आता है, या means blood vessels rupture, फट जाते हैं. ऐसे scenario में पानी गर्म means lukewarm water should be taken up to prevent any casualties because of high blood pressure or heart disease
इन विंटर सीजन. तो बीटा माय लॉर्ड, दिस इज द कंसेप्ट. साइंस टेक, स्लीपिंग इज गुड. यस इट्स गुड, दैट्स इट. आइए आगे बढ़ते हैं. जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन का न्यूज स्टूडेंट्स, पहला न्यूज ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर. आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज. इंडिया में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आया है. आज दो आर्टिकल्स आए हैं. उड़ीसा का एक आर्टिकल आया है. आइए उड़ीसा के उस जगह पर चलते हैं और देखते हैं वहां क्या चल रहा है. स्टूडेंट्स, उड़ीसा में एक जगह है, आइए देखते हैं. पहले एनसीआरबी के बारे में जान लीजिए आप लोग. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है. डेटाबेस तैयार करता है, दो रिपोर्ट निकालता है. ये देखिए, स्टेट ऑफ क्राइम रिपोर्ट इन इंडिया, स्टेट ऑफ क्राइम रिपोर्ट एंड स्टेट ऑफ प्रिजंस रिपोर्ट. ये देखिए, इन शॉर्ट, क्राइम्स बढ़े हैं या नहीं ये इस रिपोर्ट से मालूम चलता है. 4 दिसंबर को द रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड. रिसेंटली इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 4 दिसंबर एंड टूडे द हिंदू पब्लिशर्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आर ऑन द राइज एज पर द रिपोर्ट. क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये देखिए. सो द हिंदू डिस्कसेस दैट आर द क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज और नॉट, ये डिस्कस किया गया है आज. लेट्स सी. तो आइए देखते हैं. एनसीआरबी का फॉर्मेशन 1986 में हुआ था. 86, यस. ये देखिए, मैंने पढ़ाया भी है 5 दिसंबर को ये डिटेल्स. और ये इंफॉर्मेशन का डेटाबेस रखता है. फंक्शंस एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स. स्टोर्स, कोऑर्डिनेट्स, डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन ऑन इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल्स. इंटरनेशनल क्रिमिनल्स का भी डेटा इसी के पास रहता है. सीबीआई का रोल नहीं है अब. इट ऑल्सो प्रोसेसेस क्राइम स्टैट्स एट द नेशनल लेवल. इट ऑल्सो गाइड्स एंड असिस्ट द स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो इसके अंडर में काम करते हैं. ये देखिए, अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ क्वासी फेडरलिज्म आउट हियर. आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. उड़ीसा के, उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया हुआ है. और इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर डिटेल्स आए हैं. आइए देखते हैं. ये है द मिसिंग डॉटर्स ऑफ उड़ीसा बॉर्डर विलेजेस. उड़ीसा की तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर एक तरफ डेवलपमेंट दिख रहा है लेकिन साथ में स्टूडेंट्स दिख रहा है कि ट्राइबल गर्ल्स के साथ में क्या चल रहा है, क्या ट्रैफिकिंग हो रही है क्या. यस, ये है जिला सुंदरगढ़. सुंदरगढ़ झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है. सुंदरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का. क्यों? राउरकेला नाम से यहां पर स्टील प्लांट है. राउरकेला, हैव यू हर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, टेल मी. वेस्ट जर्मनी के कोलैबोरेशन के साथ एस्टैब्लिश किया गया था सेकेंड फाइव ईयर प्लान में. सेकेंड फाइव ईयर प्लान, ये देखिए, वेस्ट जर्मनी कोलैबोरेशन. राउरकेला वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ स्टील प्लांट्स. एंड राउरकेला में 1956 टू 61 सेकेंड फाइव ईयर प्लान, ये देखिए सेकेंड फाइव ईयर प्लान. आपको ही पता होगा स्टूडेंट्स, महालोनोबिस स्ट्रेटजी कहते हैं, उसके तहत स्टैब्लिश किया गया था. इट वॉज स्टैब्लिश्ड महालोनोबिस प्लान, ये देखिए. एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सुंदरगढ़ has a classical case study, a case of economic growth versus rampant human trafficking amongst tribals. Aur ye dekhiye, the lost daughters of Odisha's border villages. Crime in India report 2022 released by NCRB says 1120 persons were trafficked from Odisha during the year 2022, highest in the country. Lulkidhi village has many such girls. Aur ye Odisha ke Lulkidhi village mein gaon mein अलग अलग परिवार, अलग अलग चेहरे, अलग अलग बयान करते कहानियां, ये देखिए. सो रति नेम चेंज टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अ गर्ल अबाउट 16 इयर्स. टू डिकेड सिंस रति लेफ्ट फॉर न्यू दिल्ली टू वर्क एज अ हाउस हेल्प. मिस्टर मिंस वंडर्स इफ ही विल एवर नो व्हाट बिफेल हर. पुलिस कंप्लेंट्स लेड नोवेयर. ये देखिए, 60 ईयर ओल्ड हो चुके हैं वो. 20 साल पहले उनकी बच्ची डिसअपियर कर गई थी. दिल्ली हाउसमेट के रूप में काम करने के लिए जाया गया था. बंबई में भी ऐसे ही, बंबई के लिए भी कितने लोग निकले लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए. वहीं पर दूसरे घर हैं. देखिए, बहुत मीन्स इट्स लाइक वेरी इमोशनल बेंट ऑफ द स्टोरी हैज कम अप. रश्मिता कुजूर 50 इज अ मदर ऑफ 3 डॉटर्स हु हैव एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी टू मुंबई. आफ्टर दे फिनिश स्कूल दे सॉर्ट आउट एंड गॉट प्लेस्ड इन होम्स. ओल्डेस्ट वाया एन एजेंसी एंड द अदर टू थ्रू द ओल्डेस्ट.
All these daughters are returning home and their mother is very happy. But in the neighboring Bondega Panchayat, for Nuaz and Blasos Lakra, Christmas is bleak. Christianity yahan chal rahi hai. Aur ye dekhiye yahan par, there was no mobile phone then and I could not get in touch with my sister. One of the girls going to Mumbai to work as a housemaid. What befell her, no one knows. Odisha ki ye kahani bata rahi hai ki इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी रैम्पेंट तरीके से ट्राइबल्स के बीच में चल रहा है. ट्राइबल गर्ल्स आर ट्रैफिक्ड अक्रॉस द मेजर सिटीज इन स्पाइट ऑफ आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 बीइंग अवेलेबल एज फंडामेंटल राइट्स, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में, मुझे बताइए. फंडामेंटल राइट्स में टेल मी स्टूडेंट्स. So this clearly shows fundamental rights, article 23 and article 24, koi implementation nahi hai. Classical case study hai ki implementation nahi hai. Modern day slavery chal rahi hai. Bonded Labor Act, yaad kijiye Sandeep Bhaiya. The series came up and labor commissioner and all that concept came up during that, in that series, in the serial. Yet the fact is that, just a minute, toh mic mein dikkat ho gayi hai. Yet the fact is that आज भी मॉडर्न डे स्लेवरी उसी तरीके से रैम्पेंट चली हुई है. फिलहाल इस केस स्टडी से आगे बढ़ते हैं सुंदरगढ़ से और बढ़ चलते हैं इस एक्सप्लेन्ड पेज पर डिस्कशन को लेकर. आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन ऑन द राइज एक्सप्लेन्ड. डेटा फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इंडिकेट फॉर 2022 और इसमें इंटरव्यू लिया गया फॉर्मर IPS मिसेज मीरा बुरवनकर के से भी इंटरव्यू लिया गया. उन्होंने भी कुछ बताया. शी वॉज द फर्स्ट IPS ऑफ महाराष्ट्र. लेट्स सी द क्राइम रेट मे हैव डिक्लाइन इन 2022 बट क्राइम अगेंस्ट वुमेन हैव रिजन 4% इन 2022 कंपेयर टू 2021. द मेजोरिटी ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर क्रुएल्टी बाई हस्बेंड और द रिलेटिव्स, किडनैपिंग, एबडक्शन ऑफ वुमेन, असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी एंड रेप. ये देखिए टोटल 13,000 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्टिविस्ट एंड लॉयर्स एट्रिब्यूट दिस टू अ पैट्रियार्कल सोसाइटी. आप बताइए स्टूडेंट्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसमें दिस डेटा हैज कम अप, इट्स राइजिंग अप. डज इट शो इन रियलिटी दैट क्राइम इज राइजिंग और डज इट शो दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स इज राइजिंग? टेल मी. क्राइम रजिस्ट्रेशन, वही यहां पर देखिए. दिस The NCRB's report reveals 4.45 lakh cases of crimes against women were registered in 2022, equivalent to 51 FIRs every hour across the country. And if we compare this with 2021, the rates are very high. Retired IPS officer Meera Chaddha Burwankar strikes a note of caution. The NCRB report mainly shows that women feel confident to approach the police and get criminal cases registered, she points out. Increase in numbers, according to her, should not be equated with increase in crime. Take the case of Delhi. ये देखिए, इसका मतलब साफ है, registration crime का बढ़ गया. अच्छी बात है ना, मालूम चलेगा कि crimes कितने हो रहे हैं, उससे action लिया जाएगा. लेकिन कितनी जगह पर rural places में, जैसा उड़ीसा का आपने केस देखा, ऐसी जगहों पर crime का registration हो ही नहीं रहा है. दिल्ली के बारे में या cities के बारे में बार बार कहा जाता है that It is unsafe for women. What about the rural belts? Are they safe? Or is it that rural belts, no one goes to the police station? As you saw in the case of Sundargarh district, Odisha. So women in many states, particularly in the rural areas, would not even visit a police station unaccompanied by a male relative, let alone register an FIR for sexual harassment or domestic violence. Ye dekhi. So increase in crime should not be equated with increase in reports should not be equated with increase in crime. It might be that registration बढ़ गया. अच्छी बात है, empowerment हो रहा है. In short, अगर यहां से आप पूछिएगा मुझे कि सर यहां से क्या उठाना है point, तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं that first increase in registration of the crimes has come up. ये देखिए, that shows that women are approaching the police station. ये देखिए, लेकिन स्टिल रूरल एरियाज द कहानी इज द सेम. ये देखिए, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दिस अगर क्राइम बढ़ा है तो उसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए.
इनफैक्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ मेल डोमिनेंस एंड क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर प्रेवलेंट एंड रैम्पेंट अक्रॉस द कंट्री। यहां से एक सवाल आपके लिए आता है, डू यू एग्री दैट द रीसेंट डेटा शोइंग अ राइज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन कन्वे प्रॉब्लम्स अबाउट द इंडियन सोसाइटी इन द कंटेम्पररी टाइम्स, और इज इट लाइक दैट द रजिस्ट्रेशन हैज रिजन अप एंड मेनी केसेस ऑफ फॉल्स केसेस हैव आल्सो कम अप स्टूडेंट्स। ये देखिए फॉल्स केसेस, यस, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, और जब से ये द न्यू लॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वर पास्ड एंड पेनल्टी वॉज इम्पोज, उसके बाद से फॉल्सिफिकेशन ऑफ केसेस ऑल्सो रोज अप। इज इट ऑल्सो अ केस, टेल मी। ये देखिए तो अलग अलग वजहें हो सकती हैं, फिलहाल गांव में वही कंडीशन है, शहर में कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं। ये देखिए, आइए आगे देखते हैं। हाँ, एंड यस, सेलिब्रिटीज आर इवन नॉट लेफ्ट बिकॉज ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ केसेस। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट जो कहीं नहीं बताया जाएगा आपको आज अक्रॉस द कंट्री इन द करंट अफेयर सेशन, फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन द वर्ल्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड एग्जैक्टली 50 ईयर्स बैक ऑन 27 अक्टूबर 1973 इन कोझिकोड, केरल। इंडिया सेलिब्रेट्स 50 ईयर्स ऑफ फर्स्ट ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड इनॉग्रेटेड बाय इंदिरा गांधी, कोझिकोड। इंडिया हैज बीन अ फ्रंट रनर, अगर देखा जाए पॉलिसी मेकिंग में, इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें होती हैं, लेकिन देखिए दिस क्लियरली शोज दैट इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्रंट रनर कंट्रीज who in 1970s recognized that crime against women can only come down if the police station is empathic, and empathy wahi tabhi hoga jab wahan par mahilayein baithi rahengi jo sunne ke liye ready rahengi ki if any woman approaches the police station that kya crime hua hai. So note it down, very very important data out here. Is it clear? Tell me. Asia का तो पहला पुलिस स्टेशन है, कहते हैं लोग वर्ल्ड का भी पहला फर्स्ट वन पुलिस स्टेशन इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था, यही कोझिकोड में। 50 साल पूरे हो रहे हैं, 50 years of woman empowerment. How has India progressed? Has India progressed or not? Even that is a big question mark. That's it. Crime against women को लेकर दो केस स्टडीज देखा हम लोगों ने, ओवरऑल इंडिया के लिए क्राइम रिपोर्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ क्राइम्स, उड़ीसा का केस स्टडी ट्रैफिकिंग को लेकर, गांव में आज भी वही कंडीशन जो पहले थी। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, PVTGs। आइए देखते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए अलग से पैकेज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, नवंबर 16 जनजातीय गौरव दिवस, याद कीजिए उलगुलन मूवमेंट, बिरसा मुंडा, द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, one of the most famous tribal movements after the Santhal rebellion of 1855. ये देखिए PVTGs क्या डिस्कस किया गया था पहले, ये देखिए PVTGs डिस्कशन में देखिए स्टूडेंट्स, मोदी लॉन्चेस मिशन फॉर मोस्ट बैकवर्ड ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, मोस्ट बैकवर्ड अमंग शेड्यूल ट्राइब्स। मैंने ये आप लोगों को दिखाया था, दिस वेन डायग्राम, ट्राइब्स देखिए जो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट बेस्ड लाइफ जीते हैं उसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें शेड्यूल्ड एरियाज का स्टेटस दिया गया है, और ये बार बार न्यूज में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। ये देखिए आर्टिकल कौन सा, 3 आर्टिकल कौन सा है मुझे बताइए, इज इट 244, टेल मी स्टूडेंट्स। एंड इसके अंदर PVTGs रिकॉग्निशन के लिए 4 क्राइटेरियाज है, मुझे फटाफट चैट बॉक्स में, और जो लोग बाद में वॉच करेंगे आई वॉन्ट इन द कमेंट बॉक्स PVTGs क्राइटेरिया बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले PVTGs को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था, बट 2006 द नोमेनक्लेचर वाज चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। सो द क्वेश्चन कम्स आउट टू बी दैट अ स्पेशल पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड, लेट्स सी क्या क्वेश्चन आया हुआ है पहले यूपीएससी में, क्वेश्चन हैज कम अप, ये देखिए 2019 प्रीलिम्स, PVTGs रेसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी, stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. There are 95 PVTGs officially notified in the country so far.
रिपोर्ट आया था एंथ्रोपोलॉजिस्ट का 2017 में, उसी रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल पूछा गया था। ये देखिए, इरुलर एंड कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवी डिजीज। ये देखिए, आइए देखते हैं पीवी डिजीज की कहानी स्टूडेंट्स, द हिंदू की जुबानी। ऑन डिसंबर 6 ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री टोल्ड द राज्यसभा दैट पॉपुलेशन ऑफ पीवी डिजीज वाज नॉट इन डिक्लाइन, सेटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वॉज इन वेरियंस, डिफरेंट था यह स्टेट वाइज सेंसस डेटा से, जिसमें यह लिखा हुआ था कि 40% पॉपुलेशन डिक्लाइन किया ट्राइबल ग्रुप्स का, और इसीलिए यह आर्टिकल आज डिस्कशन में चल रहा है। Initially known as primitive tribal groups, the PVTGs are defined by the government as tribal communities that show either a declining or stagnant population, use of pre-agrarian tech, economic backwardness and low literacy rate. Yeh dekhiye. They are found to be living in some of the remotest and most inaccessible areas in the country. There are 75 such communities which are spread over 18 states and union territories according to government figures. That report is being cited out here. Yeh dekhiye. A book, The Particularly Vulnerable Tribal Groups in India, Privileges and Predicaments, published by Anthropological Survey of India in 2016 and edited by K.K. Mishra, says the highest number of PVTGs are in Odisha, noted down, followed by Andhra, Bihar and Jharkhand. Do bar sawal aaya pichle 10 saal mein PVTGs ke upar prelims mein, note kar lijiyega. Apart from this, all the four tribal groups in the Andaman and one in Nicobar Islands are recognized as PVTGs. One UT is there. Ye dekhiye. The last available census counted all 75 communities was from 2001, which put their total number at 27 lakhs. Ye dekhiye. Approx. To ab ek naya program launch kiya gaya hai. 24,000 crore ka. Isi November 16 ko. Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan. PM Jan Man. Ye dekhiye. After the Prime Minister announced the particularly vulnerable tribal group development mission earlier this year that would take basic facilities like roads, powers, homes, mobile connectivity to the most backward amongst the scheduled tribes, the PVTGs. Announced kar diya gaya hai aur yahi wo program hai, dekhiye students yahan likha hua hai is jagah par, ye dekhiye. Have a look over this program, PVTG, ye dekhiye. बात समझ में आ रही है, ये देखिए, पीएम जनमन 24,000 करोड़, इसमें 15,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ये देखिए, और रिमेनिंग 9,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे कंबाइन करके। कितने स्टेट्स में पीवीटीजीज हैं आपने अभी पढ़ा, 18 स्टेट्स एंड वन यूटी। कितने पीवीटीजीज टोटल है, 75, ये देखिए टोटल। कब आया था ये, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2017 में रिपोर्ट पब्लिश होता है, 2019 में सवाल पूछा जाता है यूपीएससी में, ये देखिए। एंड रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन पब्लिक मींस फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 17-18 में, खूब डिस्कशन में था, दैट इज इट, ये देखिए। अब सवाल ये है दैट ये 24,104 करोड़ में 15,336 करोड़ सेंटर देगा, 8,768 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देंगी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पक्का होम्स बिल्ड किए जाएंगे, रोड्स कनेक्टिंग रोड्स लिंक किए जाएंगे, सब कुछ होगा, आंगनवाड़ी सेंटर्स आएंगे, विलेजेस आएंगे, इंस्टॉल मोबाइल टावर्स बनेंगे। क्या बात है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कहानी इस पूरे पीवीटीजीस की, लेट्स सी। सो 24,000 करोड़ विल बी यूटिलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन पक्का होम्स, ये देखिए। बोलेगा सर क्या ये दिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। सेकंड पॉइंट मोबाइल टावर्स, थर्ड पॉइंट रोड्स, फोर्थ पॉइंट आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये देखिए, फिफ्थ पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, ये देखिए। फिलहाल एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू, पीवीटीजीज की पूरी लाइफ, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, हैव यू हर्ड ऑफ इट, टेल मी। पीवीटीजीज की पूरी लाइफ फॉरेस्ट बेस्ड, पीवीटीजीज में मैक्सिमम पीवीटीजीज में मैट्रियार्कल सोसाइटी भी होती है। थर्ड पॉइंट, पीवीटीजीज की पूरी लाइफ ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशंस, आपने देखा होगा
एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर टू. आर यू गेटिंग द फैक्ट व्हाट एम आई ट्राइंग टू कन्वे स्टूडेंट्स? Without this kind of concept, can you rehabilitate them? No. Was this problem faced in the past also? Yes. पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये आपने द हिंदू में एक आर्टिकल आया था एक कल्चरेशन का, आज से 4 महीने पहले. एक कल्चरेशन, ये देखिए, उसमें एक वर्ड आया था एसिमिलेशन का. हम लोग ट्राइबल्स को कह रहे हैं एसिमिलेट कर जाओ, एसिमिलेट, डोंट कीप योर कल्चर. व्हाट वॉज नीडेड इज इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन. ये देखिए, वी नीड इंटीग्रेशन एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. दिस इज व्हाई रिहैबिलिटेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीवीटीजीज हैज फेल्ड इन द कंट्री इन द पास्ट ऑल्सो. नोट इट डाउन. सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर वेरी गुड बट दे शुड टेक इन टू कॉग्निजेंस. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, दे शुड टेक इन टू कॉग्निजेंस द प्रैक्टिसेस बींग प्रैक्टिस्ड बाई द पीवीटीजीज. इज इट क्लियर? मुझे बताइए. मैं फिर से रीइटरेट कर दूं, 8:15 बजे अब क्लास शुरू होगी रोज. इज द टाइमिंग ओके? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. तो यही है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स, डिटेल्स. फिलहाल पीवीटीजीज का पूरा डिटेल नॉलेज जो है आपको समझ में आ गया. ये देखिए पैकेज अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन आप बताइए इस जगह पर अगर आप रहिएगा मिनिस्ट्री में तो आप क्या करिएगा? यू सेंड अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर नीडेड स्टूडेंट्स. एंथ्रोपोलॉजी की कहानी केवल यूपीएससी में ऑप्शन के रूप में नहीं खत्म होती है, ये नया डिसिप्लिन है, इट्स नीडेड. एंथ्रोपोलॉजिस्ट नीड टू गो देयर एंड कन्वे दैट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डेवलप दिस रीजन्स, यू ऑल्सो, एंड उनकी भाषा में यस, लैंग्वेज उनका. ये देखिए लैंग्वेज. और इसीलिए मैं बता दूं आपको, एक पंचशील लॉन्च किया गया था कंसेप्ट ट्राइबल्स के लिए भी. आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन पढ़िएगा, पंचशील, नेहरूज पंचशील कहते हैं फॉर ट्राइबल्स. ये देखिए, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया स्टूडेंट्स, पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट. उसमें इंटीग्रेशन भी वर्ड आया था. यस, अपना कल्चर रखो और डेवलप कर जाओ, दैट्स इट. और जीएस के लिए क्या आ सकता है यहाँ से? प्रीलिम्स में, जीएस में भी, आप मेंस में अगर सवाल आएगा तो आप पीवीटीजीज में सब मेंशन कीजिएगा, इट्स नीडेड स्टूडेंट्स. नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. आप किसी, मैं बता दूं आपको, जहां इनका रेसिडेंस होता है वहां पर पेड़ जरूर होते हैं, और पेड़ पर इनका मानना होता है दैट स्पिरिट्स रहते हैं, आत्माएं, अच्छी आत्माएं, बुरी आत्माएं. अच्छी आत्माएं प्रोटेक्शन देते हैं इनको. अगर उस पेड़ को छोड़कर ये लोग और अपनी झोपड़ी को छोड़कर ये लोग पक्का हाउसेज में जाएंगे तो वो अच्छी आत्माएं नहीं आएंगी और बुरी आत्माएं खा जाएंगी. नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स यही बताता है. तो इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये देखिए, पीवीटी इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 क्राइटेरियाज, आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स. आइए आगे बढ़ते हैं. एंथ्रोपोलॉजी पढ़कर, और देखिए यहाँ डिटेल्स देखिए मैंने अटैच किया था, देवार कमीशन ने बताया था पीटीजीज के लिए अलग से कैटेगरी. ये देखिए 1973 में, ये देखिए पीवीटीजीज के नेम्स 1875 पीवीटीजीज. ये देखिए क्लियर, 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी. अब ये सवाल क्या सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? यूपीएससी प्रीलिम्स 2019. ये देखिए, देखिए कितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है. अब फैक्चुअल इतना नहीं पूछेगा, हमें स्टेटमेंट्स आर करेक्ट करके पूछ रहा है, तो ओनली वन ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या ऑल 3 आर करेक्ट, या नन ऑफ देम आर करेक्ट. लेकिन सवाल देखिए बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है. आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी का न्यूज़ आया है. आइए देखते हैं सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी. याद कर लीजिए 26/11 टेररिस्ट अटैक, समुद्र के रास्ते आए थे सब टेररिस्ट, क्या किया था और कितनी कंडीशन खराब हुई थी, कितना बड़ा सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा था उस समय. इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 से और इंडियन नेवी राइट सिंस इंडिपेंडेंस हमें प्रोटेक्ट कर रही है, फिर भी ऐसा केस हुआ था. अभी बहुत पहले की बात नहीं है, लास्ट 2 ईयर्स ऑल्सो न्यूज हैव कम अप ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग. ड्रग्स कंसाइनमेंट्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस सी पोर्ट्स अक्रॉस गुजरात, एंड इसीलिए
पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा था कि जाकर चेक कीजिए गुजरात में, पार्लियामेंट्री पैनल स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स, ये देखिए कमिटी ऑन होम अफेयर्स, इसने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि आप जाकर चेक करवाइए 6 सी पोर्ट्स गुजरात में, कौन कौन से सी पोर्ट्स हैं, नाम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट सिक्योरिटी का, टेक इट आउट हियर, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। और देखते हैं, ये देखिए हजीरा, दाहेज, पिपावव, सिक्का, नौलाखी एंड ट्यूना ओल्ड पोर्ट, इसको गुजरात में इस मैप में देख लीजिए आप लोग, ये देखिए देखिए ये आ सकता है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये देखिए, क्या ये वही सी पोर्ट्स हैं, मुझे बता दीजिए। ट्यूना सी पोर्ट मुंद्रा के, मुंद्रा सी पोर्ट के बगल में देखिए, ये दिस क्वेश्चन कैन कम अप, सी लेट मी टेल यू, मेजर सी पोर्ट्स आर अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड माइनर एंड इंटरमीडिएट सी पोर्ट्स आर ऑन द कंकरेंट लिस्ट, नोटेड डाउन, स्टेट लिस्ट पे नहीं है, कंकरेंट लिस्ट पर हैं। तो मेजर सी पोर्ट्स ये देखिए, मेजर सी पोर्ट्स सेवेंथ शेड्यूल यूनियन लिस्ट, अदर सी पोर्ट्स सेवेंथ शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट, नोटेड डाउन। कंकरेंट का मतलब क्या है पता है, कंकरेंट लिस्ट कहां से निकाला गया है मुझे बताइए, कौन से कंट्री से बोरो किया गया फीचर, लेट मी नो। सो दिस वॉज इट स्टूडेंट्स। अब यहां पर कौन कौन से लोग गए यहां पर चेक करने के लिए, ये देखिए यहां पर हर जगह पर इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, ये देखिए, और यहां पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन BOI इसके ऑफिसर्स गए चेक करने के लिए, देखिए यहां पर। सो इंडिया हैज 31 ऑथराइज्ड सी पोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट। इमिग्रेशन चेक पोस्ट क्या होता है देखिए, जहां से लोग अंदर आते हैं बाहर की जगह से, ये देखिए जमीन के ऊपर भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, देखिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर चल रहा है ये चेक पोस्ट, सी पोर्ट पर भी होते हैं, और 20 सच सी पोर्ट है जहां पर ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, ये देखिए। ये इमिग्रेशन चेक पोस्ट चेक करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है। सवाल ये है, मैं ये क्यों डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इज नॉट वर्किंग अंडर एक्सटर्नल अफेयर्स, इट्स वर्किंग अंडर होम अफेयर्स, नोटेड डाउन, ये देखिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग इमिग्रेशन रिलेटेड फंक्शन सच एज इमिग्रेशन सर्विस एट सी पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड एयरपोर्ट्स एंड फॉरेनर रजिस्ट्रेशन, ये देखिए ये होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्लियर है मुझे बता दीजिए। तो चेक हुआ क्योंकि जस्ट अभी ड्रग कंसाइनमेंट्स पकड़े गए थे कुछ सी पोर्ट्स पर, और ये लीड कौन करता है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, एक आईपीएस ऑफिसर, ये देखिए आईपीएस ऑफिसर लीड दिस, कोई आईएफएस लीड नहीं करता है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये न्यूज़ मैंने क्यों पढ़ाया, ये न्यूज़ सिक्योरिटी का भी न्यूज़ है स्टूडेंट्स। ये आर दीज चेक्स नीडेड सी पोर्ट्स के लिए राइजिंग थ्रेट्स, ये देखिए सी पोर्ट्स राइजिंग थ्रेट्स टू देम, क्या क्या राइजिंग थ्रेट्स हैं मुझे बताइए सी पोर्ट्स के लिए। पहला पॉइंट ये देखिए, ड्रग कंसाइनमेंट्स, यस। सेकेंड पॉइंट ये देखिए स्टूडेंट्स, टेररिस्ट। थर्ड पॉइंट, मोर प्रोन टू अटैक्स बिकॉज दे आर नॉट इनसाइड द कंट्री, देर ऑन द कोस्टल एरियाज, ये देखिए। एंड फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, दे कैरी आउट 95% ऑफ इंडियाज ट्रेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए वल्नरेबल हो गए हैं सी पोर्ट्स, ये देखिए। Got it? Yes, power divide को सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में फेडरलिज्म कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। देखिए पावर डिवाइड करने का कंसेप्ट अलग है और कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट अलग है, इसे याद रखिएगा। कंकरेंट लिस्ट, देखिए पावर डिवाइड बहुत सारे जगहों पर किया गया, लेकिन कंकरेंट लिस्ट नहीं क्रिएट किया गया। जैसे सेंटर का ये काम है, स्टेट का ये काम है। रेसिडुअल पावर्स किसके हैं,
लेकिन कंकरेंट लिस्ट स्पेसिफिक कहां से लिया गया, मैंने ये सवाल पूछा, दैट इज इट। तो एक सवाल तो निकल सकता है स्टूडेंट्स यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जीएस पेपर 3, यस, एग्जामिन द डेंजर्स बीइंग फेस्ड बाय सी पोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। कैन इट कम, टेल मी स्टूडेंट्स, एंड प्लीज लिंक दिस न्यूज ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ये देखिए, द मिनिस्ट्री ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द पैनल दैट अ कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ मॉडल FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू नार्कोटिक्स। यस, नार्कोटिक्स केसेस बढ़ रहे हैं, ये देखिए मॉडल FIR क्रिएट किया जा रहा है, कितने FIR इसको लेकर हुए, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? दैट्स इट। तो ये देखिए ट्यूना ओल्ड पोर्ट, अदानी ट्यूना पोर्ट इसे कहते हैं, नवलाखी, सिक्का, पिपावव, दाहेज, हजीरा, ये देखिए यहां पर चेक किया गया। धामरा सी पोर्ट ओडिशा में वॉज नोटिफाइड एज एन ऑथराइज इमिग्रेशन चेक पोस्ट। ये देखिए सी पोर्ट धामरा कौन से रिवर के डेल्टा पर है? रिवर ब्राह्मणी बैतरनी रिवर सिस्टम, यस, महानदी के ऊपर ये जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और वहां पर धामरा सी पोर्ट स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये देखिए वहां भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट ओपन किया गया, ये नोट कर लीजिएगा, ये देखिए, दैट्स इट। हेमनगर एक रिवर पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्टैब्लिश किया गया है। ये सारा इंफॉर्मेशन यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में कल दिया है और आज न्यूज में आ गया, ये देखिए, द सेम न्यूज हैज कम अप इन PIB, दैट्स इट। धामरा सीपोर्ट शायद अदानी ग्रुप को ही हैंडओवर किया गया, मैं बता दूंगा आपको। गोपालपुर ऑन सी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोपालपुर पोर्ट इज ऑफ टाटा ग्रुप, धामरा इज ऑफ अदानी ग्रुप ओनली। धामरा दिस विजिंजाम एंड दीघी, दीघी इज जस्ट पुणे से निकलिएगा कोंकण की तरफ, दीघी सीपोर्ट। तो ये सब सीपोर्ट्स अदानी ग्रुप को दिया गया है डेवलपमेंट के पर्पज से, ये देखिए। सो इज इट क्लियर दिस टॉपिक स्टूडेंट्स, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। आइए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, इंडियन इकोनॉमी, मॉनिटरी पॉलिसी। RBI's पॉलिसी पैनल हैज केप्ट रेपो रेट अनचेंज्ड व्हाइल रिवाइजिंग ग्रोथ अपवर्ड्स, ऑलवेज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ UPSC, ये देखिए। और ये देखिए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द उर्जित पटेल कमेटी इन 2016 said that there should be a separate body for the devising of monetary policy. Monetary policy वो होता है जो money supply check करता है economy में. Even monetary policy is one of the tools to check inflation. ये देखिए demand side inflation, yes. और इसी को लेकर हर demand side inflation, इसी को लेकर every 2 months the RBI, the MPC sits and devises the new strategies. आज की तारीख में बैंक के रेट्स डिपेंड करते हैं MPC में कितना चेंज हुआ रेपो रेट में, रेपो रेट, यस, एंड रेपो रेट के साथ टाइड अप हैं मैक्सिमम बैंक्स के लोन रेट्स। ये देखिए रेपो रेट इज द रीपर्चेज ऑप्शन, रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू द बैंक्स इन रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बी रीपर्चेस्ड आफ्टरवर्ड्स, शॉर्ट टर्म मिसमैच जो पैसे का होता है उसको पूरा करने के लिए। हर रोज बैंक में रात शाम को डे एंड प्रोसीजर होता है, उसके बाद क्या कैश मिसमैच चल रहा है उसको पूरा करने। कैश मिसमैच का मतलब क्या होता है, कितना पैसा अवेलेबल है डिपॉजिट्स के रूप में और कितना पैसा लोन दिया गया है, तो RBI उसको पूरा करने के लिए, अगर आपके पास शॉर्टफॉल है कैश का तो RBI से आप लेते हैं रेपो रेट पर पैसा। किसी के पास सरप्लस होता है पैसे का, मान लीजिए कोई दूसरा बैंक है, ICICI बैंक है, वो RBI को देता है पैसा रिवर्स रेपो रेट पर, और रेपो रेट पर आप ले लेते हैं, आप SBI हैं, दैट्स इट। सो रेपो एंड रिवर्स रेपो आर बिग टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब स्टैब्लिश की गई थी तो उसमें टारगेट था कि इन्फ्लेशन 4% ईयर ऑन ईयर प्लस माइनस 2%, ये देखिए, यानी 2-6% के बीच में रहना चाहिए इन्फ्लेशन पिछले साल के कंपैरिजन में, यही लिखा हुआ डिटेल्स में स्टूडेंट्स इस जगह पर। इसे कहते हैं मींस अगर ये अनचेंज रखा गया इसका मतलब साफ है कि RBI एक्सपेक्ट कर रही है
दैट अभी जो मार्केट कंडीशन है उसमें न रेपो रेट बढ़ाया जाए न कम किया जाए. अगर बढ़ेगा तो लोन रेट बढ़ेगा, लोन रेट बढ़ेगा तो ईएमआईज बढ़ जाएंगे हाउसिंग लोन्स के, और जिनके लोन्स चल रहे हैं बैंक के पास तो दैट्स इट. तो ये अंतिम न्यूज था स्टूडेंट्स. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स सिक्योरिटी का टॉपिक, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन चेक पोस्ट और सी पोर्ट्स इन गुजरात, उसके पहले आपने पढ़ा स्टूडेंट्स पीवीडीजीज एंड उनके लिए मिशन लॉन्च किया गया है, और नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल टॉपिक यू कैन सीट हियर. एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने पढ़ा आज ओडिशा का केस स्टडी, सुंदरगढ़ जिला राउरकेला वर्सेस द डिस्ट्रिक्ट्स आउट हियर ऑन द बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ये देखी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो लर्नड अबाउट द एनसीआरबी डेटा ऑन वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन. आज आपको मालूम चला फर्स्ट वन पुलिस स्टेशन वर्ल्ड का कोझिकोड इंडिया में ओपन अप किया गया था. ये न्यूज़ में नहीं आया, ये मैंने अलग से अटैच किया यहाँ पर. 50 ईयर्स हो चुके हैं उसके. आज आपने ये भी देखा स्टूडेंट्स दैट साइंस एंड टेक में बीटा माइलॉयड प्लेक्स अल्जाइमर के चांसेस कम है अगर सोइएगा तो, नहीं सोइएगा तो दिक्कत है. 7 घंटे सोइए, इसका मतलब ये नहीं दिन भर सोते रहिए, नहीं 7 घंटे सोना है. 7 आवर्स स्लीप इज गुड, दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो लर्नड अबाउट बायोएथिक्स कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज एंड कंपनसेशन फैक्टर्स. इसमें शिजेला इन्फेक्शन का केस स्टडी आया था. शिजेला क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है पेट का. उसके पहले आपने देखा स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड मैडन जूलियन सर्कुलेशन सिस्टम्स, ये देखिए. मूवमेंट ऑफ द रेनफॉल सेल्स टुवर्ड्स द ईस्ट एट 4 to 8 meters पर सेकेंड एवरी 60 days. उसके पहले स्टूडेंट्स आपने देखा केलोनिया मिडास मेडिटेरेनियन सी में इसका हैबिटेट, और उसके अलावा यू ऑल्सो लर्नड अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी. मेघालय में दिस उमन गोट रिवर एंड लाइमस्टोन रिजर्व्स इंडिया के 9% और रैट होल माइनिंग बैंड इन द कंट्री सिंस 2015 बाई एनजीटी, दैट वॉज इट. तरुण ने सवाल पूछा रेस्टुअरी पावर सेंटर के पास होते हैं या पार्लियामेंट के पास, उसका मतलब बता दीजिए. आप इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर? जब सेंटर की बात होती है तो सेंटर की बात में एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स दोनों आते हैं. रेस्टुअरी पावर्स एक शब्द है कि अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कुछ नहीं पाया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ उस पर लेजिस्लेट करने के लिए कौन करेगा? पार्लियामेंट. लेकिन जब पार्लियामेंट नहीं बैठेगा तो कौन करेगा ऑर्डिनेंस से, मुझे बताइए आप. सेंटर जहां जहां वर्ड डिफाइंड है, ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है कंसेप्ट वहां पर? इज इट क्लियर? रेसिडुअरी पावर्स वर्ड. तो यही है स्टूडेंट्स आज की कहानी, द हिंदू की जुबानी. नौकरखिल से निकलते निकलते एंड किया हम लोगों ने जूलियन मैडन जूलियन ऑसिलेशन सिस्टम पर, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन से वल्नरेबल सेक्शन से उठकर हम लोग गए पीवीटीजीज पर, और एंड किया फाइनली इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक और एमपीसी पर. फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है. पीडीएफ आ जाएगा 15 मिनट में, और 2 दिसंबर का पीडीएफ पेंडिंग है, वो भी आएगा 15 मिनट्स में. नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं कल की तारीख में ठीक 8:15 बजे इसी चैनल के ऊपर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ. दैट्स इट, टेक केयर स्टूडेंट्स.